अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहले से था कि आग लगने के पीछे ना आपका ही नौटंकी, लेकिन ये सबूत के साथ तो फुल्ले यकीन हो गया हमको। सच बताना पड़ेगा सबको। मुझे लगता है मुझे अब यहां और नहीं रहना चाहिए, पर मैं चाह के भी यहां से जा नहीं सकती। लेकिन रिया, तुम ऐसा सब सोच क्यों रही हो? तुमने मुझे एक्सेप्ट किया यहां रहने के लिए ताकि मैं विराट से बची रहूं। आज जो यहाँ तमाशा हुआ, ये सब वहां भी तो होता था, कुछ भी तो नहीं बदला। मुझे आज भी बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज कुछ करो। नहीं 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 रिया, नहीं, तुम्हें डरने की जरा भी जरूरत नहीं। अरे हम है ना यहाँ पे, हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। अरे यहाँ तुम सेफ हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। जी नहीं, राजी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज 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 बचा लो। क्या नया नाटक शुरू किया है भाई? आओ देखो। बुआ जी, संजय बाबू जल्दी आइए। राजीव, क्या हुआ? क्या बात है? अरे ये डर गई थी और डर के कारण कमरे में जाकर छुप गई थी, इसके लिए देखने गए थे हम इसको। क्या दिखाना चाह रही हो? क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? बोलो कुहू, जवाब दो। सब लोग यहां मौजूद है, क्या बात है? कहीं कुहू मेरा सच सबको ना बता दे। अरे ये तो मेरा बैग है। तुम्हारा? हाँ। ये कुहू मुझे घर से निकाल रही थी और यही बैग तो हाथ में पकड़ा दिया था उसने। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो कुछ और बात करने आए थे। हाँ हाँ, यही बैग तो था। ये बैग देकर मुझे चलता कर रही थी कू घर से। कू? क्या हो गया तुम्हें? तुम इसको घर से बाहर निकाल रही थी? तुम जानती हो ना बाहर इसके ऊपर कितना बड़ा खतरा है, वो विराज अब भी घात लगाए बैठा है। अरे अभी तो तलाक भी नहीं हुआ उसका और तुम इसको घर से बाहर। गलत समझ रहे राजीव। तुम नहीं समझ रही हो कू, आज इसकी जो ये हालत है ना, वो हमारे और विराज की दुश्मनी की वजह से, उसके जुल्मों से डरी हुई है ये। देखो देखो अब भी कितना कांप रही है, और अब तुम्हारी वजह से डर बैठा हुआ इसके मन में। हम इनके लिए डर नहीं, बल्कि ये हमारे लिए है। जरा इसकी हालत देखो कू, दया नहीं आती तुमको इसमें? तो इतनी रात गए सब जग रहे हैं, पर सिर्फ रिया इतनी डरी हुई है,
पता नहीं इसे अकेले नींद भी आएगी या नहीं। राजीव, कम से कम उस कमरे में नहीं जाऊंगी मैं। मुझे बहुत डर लगता है वहां पर। सब खेल है इसका। तू और तेरी गजब की जुबान छोटी कहेंगी। ठीक, उस कमरे में नहीं सोगी। हाँ, लेकिन जब तक रिया का तलाक नहीं हो जाता और उसका विदेश जाने का इंतजाम नहीं हो जाता, ये कू के साथ हमारे कमरे में रहेगी और वहीं सोएगी। दादा, ये क्या नरगल बातें कर रहे हैं आप? पति पत्नी के निजी कमरे में एक बाहर की औरत। आखिर रिया ने बाजी मार ली। इसमें कुछ भी गलत नहीं है संजीव, इसकी तबीयत खराब है और ये हमारे कमरे में ही रहेगी। हम इसका ख्याल रखेंगे कुहू की मदद से। राजीव बेटा, लोग क्या कहेंगे? ये सही नहीं है। बुआ जी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। ये इस घर की मेहमान है और हम इसका ख्याल रखेंगे। आखिर तुमको क्या हो गया को? तुम तो ऐसे नहीं थी। मेरी तबीयत कुछ रिया ठीक नहीं लग रही। जरा कमरे में चले तुम्हारे। जितना प्यार आप दादा से करती है ना, शायद ही किसी ने किसी से किया होगा और ये बात उन्हें भी पता है। हम लेके आए हैं ना रिया जी को इस घर में, तो अपना गलती सुधारेंगे। राजू, विश्वास के साथ हमें बोल दिए कि हम सब रिश्ता ठीक कर देंगे। जब तुमने खुद ही अपने और राजीव बाबू के रिश्ते को कमजोर कर दिया, तो फिर उसे ठीक करने की दुहाई क्यों दे रही है बेटा? तुम शुरू से ही अपनी शक्ल को लेकर हीन भावना से ग्रस्त थी कुहू, पर हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। राजीव तुमसे बहुत प्यार करता है, पर तुमने दूरियां बनाए रखी। आज उन्हीं दूरियों की वजह से रिया उस दूरी के दरमियान घुस गई है, सिर्फ तुम्हारे कारण। बहुत प्यार करते हम अपने राजीव बाबू से, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये भी सच है, हम राजीव बाबू के लिए ना बस एक जिम्मेदारी है, देखो फर्ज। राजीव बाबू रिया जी से प्यार करते थे, लेकिन अभी की रिया जी नेक नहीं है। अगर राजीव बाबू किसी खूबसूरत नेक दिल लड़की के साथ जीवन जीना चाहते हैं, तो हम उनको रोकेंगे नहीं। अब देखिए तू से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।